बच्चों, देखो आपने अभी अपनी साइंस की वर्कशीट में इंसेक्ट्स पढ़े ना, तो उसके अंदर हमने लाइफ साइकिल और बटरफ्लाई पढ़ा था। यहाँ पे पूरी पिक्चर मैंने आपको दिखाई हुई है कि कैसे लाइफ साइकिल होता है एक बटरफ्लाई का। मोस्टली सारे इंसेक्ट्स का ऐसा ही लाइफ स्टाइल है, पर हमने बटरफ्लाई लिया है और इसको एक मॉडल के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो सबसे पहले क्या होता है, इसके अलग अलग स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल की। जो एडल्ट, ये देखो एडल्ट बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई सबने देखी है ना, कैसे बटरफ्लाई आती है। ओके, फ्लावर्स पे होती है। बटरफ्लाई के सबसे पहले होते हैं एग्स, वो एग्स देगी। ये स्मॉल स्मॉल दिखाए एग्स। ओके, बहुत सारे एग्स होते हैं, और उन एग्स के बाद जब एग्स मतलब अंडे, वो जब मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो बनाते हैं लार्वा, ये कैटरपिलर। ये लार्वा आपने देखा है कई बार सब्जियों पे, पत्तों पे चल रहा होता है। लुक एट दिस, ये देखो ये इसका फेस। ये कैसे बनाए मैं आपको बताऊंगी, पर आप इनकी स्टेजेस समझिए कि एग्स के बाद बनता है लार्वा, जिसको हम कैटरपिलर भी कहते हैं, और लार्वे के बाद होता है ये प्यूपा। ये प्यूपल स्टेज आती है। ये सब वहीं पर हो रहा है प्लांट पे, जहां पर लीव्स हैं या प्लांट पार्ट पे। ठीक है, ये प्यूपा, प्यूपल स्टेज के बाद इसके अंदर क्या होता है, छोटी छोटी जो बटरफ्लाई वो बननी शुरू हो जाती है, और जैसे ही इसका ये ऊपर का पोर्शन हटता है, बटरफ्लाई छोटी सी उड़कर और ये बाहर आ जाती है। ओके, तो दिस इज द प्यूपा एंड दिस इज एडल्ट। एडल्ट मीन्स बड़ी वाली बटरफ्लाई। ओके, अब देखो ये मॉडल मैंने कैसे बनाया, वेरी सिंपल। आपको ऐसे ही बनाना है सुंदर सा मॉडल। सबसे पहले क्या है, एक हम ग्रीन शीट लेते हैं और उसकी हम लीफ कट कर लेंगे, और लीफ कट करके लीफ को हम ऐसे बीच में से मोड़ते हैं और इसको जिगजैग वे में इसको हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। ओके बेटा, बड़ा मजा आता है करने में। अब एक्टिविटी करिएगा, इसके मार्क्स मिलेंगे। ये देखो ये हमने फोल्ड किया तो हमारी कितनी अच्छी लीफ की शेप आ गई। इस पे हम पेन से या स्केच पेन से लाइंस भी लगा सकते हैं। ऐसे करके हमने इसको लाइन लगाई, जहां जहां पे हमने इसकी वेन्स दिखाई थी, इनको हमने ऐसे मार्क कर लिया, तो बिल्कुल ये लीफ की तरह स्ट्रक्चर लगेगा, जैसे मैंने इसमें दिखाया है। ओके, इस लीफ को बना लेंगे, और लीफ पर हम, अगर आपके घर में मोती हैं, ये देखो मोती लिए, पर्ल्स, मोती आप रख सकते हैं, टू शो लाइक एन एग। ठीक है, ये एग्स दिखाए हैं, मोती के बना सकते हैं, नहीं तो आप कॉटन के बना दीजिए या पेपर कट करके लगा दीजिए, 3D लुक में अच्छा लगेगा। इसको लिया, ये लीफ बन गई, फाइन, इसको यहाँ रख देती हूँ। इसी तरह से हमने और ऐसी लीफ बना ली, और उसके ऊपर में कैटरपिलर। कैटरपिलर बनाना बहुत ही इजी है। कैटरपिलर में कैसे करते हैं हम, ये एक स्ट्रिप है, पिंक कलर से मैं दिखा रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ। इसको वैसे ही हम पंखा जैसे बनाते थे ना, जिगजैग वे में मोड़ लिया, और इसको मोड़कर हमने थोड़ी देर में इसको खोल लिया, जस्ट मोड़ा और मोड़ के इसको खोला। ये देखो ये बन गया ना कैटरपिलर। ओके, और इसका हमने आगे फिर फनी साइज से फेस लगा दिया। लुक एट दिस, ये बना हुआ है, ये देखो ये ऐसे फेस लगा दिया कैटरपिलर का, ये देखने में अट्रैक्टिव लगता है। ये देखो ये ग्रीन वाला, मोस्टली ग्रीन कलर के कैटरपिलर होते हैं, छोटे छोटे से कीड़े आपने देखे होंगे। इस कैटरपिलर को मैंने लीफ पे रख दिया। फिर ये हमने बनाया है क्या, प्यूपा। प्यूपा भी अंदर एक पेपर को रैप करके, उसको प्लास्टिक शीट पे रैप कर दिया, ये ऊपर की कवरिंग होगी। इसमें से ये ऊपर से हमने इस पे लाइंस दे दी, इसको हम लीफ से अटैच कर देंगे, जिससे कि हमारा प्यूपा जो है लीफ के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब आप देखो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसे बनेगी। बटरफ्लाई बनाने का भी बहुत इजी मेथड है। ये हमने स्क्वायर लिया था, इस स्क्वायर को हमने ऐसे बीच में से फोल्ड कर लिया दो ट्राइंगल की तरह, और यहां से हमने फोल्ड करना शुरू किया। और जब हम इसको फोल्ड करते रहते हैं, ऐसे करके फोल्ड करेंगे, तो हमारे पास इसके विंग्स बन के आ जाएंगे, और विंग्स बन जाएंगे दो, हम अलग अलग कलर लेंगे, तो अलग अलग हमें बटरफ्लाई सुंदर सी मिलेगी, जैसे मैंने बनाई है ऐसे आप इससे भी सुंदर बना सकते हैं। ओके, बीच में से इसको फोल्ड कर दिया सेंटर पॉइंट से, और इसको हमने खोल लिया, इसके विंग्स बन गए। लुक, ओके बेटा, क्लियर हो रहा है। अब देखो दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट जो हमने बनाया रेड कलर का, वो भी हमने ऐसे ही बनाया, इसको हम इससे अटैच कर देंगे, तो हमारी बटरफ्लाई बन गई ये। ओके, और हमने फिर बनाने के बाद स्पेस का फेस लगा दिया, फाइन।
तो ये मॉडल आपको पूरा बनाना है, उसमें पूरा लिखकर लिखना बहुत जरूरी है मॉडल में कि हम क्या चीज वहां पर दिखा रहे हैं। ओके बेटा, तो सुंदर सा बना के आप इसको मॉडल को, और फिर आप मेरे पास पोस्ट करिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।